please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों के बढ़ते एनपीए के लिए यूपीए काल को जिम्मेदार ठहराया है। यूपी के शासनकाल को और सूत्रों के मुताबिक संसदीय समिति को भेजे जवाब में राजन ने यह भी कहा है कि सरकार की नीतियों की वजह से बैंकों का डूबा कर्ज बढ़ता चला गया। इससे पहले पूर्व प्रमुख आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने एनपीए की पहचान करने और इसे हल करने की कोशिश के लिए राजन की तारीफ भी की थी, जिसके बाद संसदीय समिति ने उन्हें इस मुद्दे पर सलाह देने के लिए आमंत्रित किया था। नेटवर्क एजेंट के सूत्रों के मुताबिक राजन ने मुरली मनोज जोशी की अध्यक्षता वाली समिति को ये बताया कि बैंकों ने बड़े लोन देने में सावधानी नहीं बरती, जिसका नुकसान हुआ। राजन का ये बयान कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि कांग्रेस कर्ज की मार से दबे बैंकों के हालात का ठीकरा सीधे सीधे मौजूदा केंद्र सरकार पर ही फोड़ रही है, और ऐसे में राजन का बयान कांग्रेस के गले की फांस बन सकता है। रघुराम राजन ने नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि बैंकों का कर्ज चुकाने में धोखाधड़ी करने वालों की पहचान होनी चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। राजन ने कहा कि अगर कुछ लोगों को सजा मिल गई तो ये धोखाधड़ी करने वाले के लिए बड़ा उदाहरण साबित होगा। उन्होंने सलाह भी दी है कि दिवालिया होने के मामले को कोर्ट के बजाय बाहर ही आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। That the 10 biggest fraudsters should be sort of identified, special action taken, but if one or two are brought to justice, it sends a message. दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में बड़े स्कूल में 3 साल की एक बच्ची के यौन शोषण का मामला सामने आया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज भी कर लिया गया है, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। बच्ची के परिजनों को स्कूल के स्टाफ पर शक है। परिजनों का यह भी आरोप है कि वारदात वाले दिन की स्कूल ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी है, जबकि स्कूल के मुताबिक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, यानी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। स्कूल में सभी क्लासरूम्स में सीसीटीवी निगरानी के दायरे में आते हैं तमाम क्लासरूम। फिलहाल रोहिणी कोर्ट में बच्ची और परिजनों ने 164 के तहत अपने बयान भी दर्ज करवा दिए हैं और पुलिस जल्द ही आरोपी तक पहुंचने का दावा भी कर रही है। हम हॉस्पिटल गए हैं, समुदाय भवन गए, वहाँ पे दिखाया गया कि बच्चे को इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि उन्होंने भी क्लियर बोल दिया कि बच्चे के साथ छेड़छाड़ हुई है। फिर वहाँ से हमने कहा राइटिंग में देंगे, उन्होंने मना कर दिया कि राइटिंग में नहीं देंगे, तो आप हिंदुराव जाओ। हिंदुराव वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे भी क्लियरली बोल दिया है कि बच्चे के साथ इस तरीके की छेड़छाड़ हुई है। सर, बच्ची का बयान लिया गया 164 के थ्रू और उसकी माँ की भी स्टेटमेंट दोबारा ली गई है। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि कुछ डाउट है, इसलिए दोबारा स्टेटमेंट ली गई है अभी जज साहब के सामने। अब देखिए क्या होता है, कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि स्कूल से जब बच्ची आई है, हमें पता स्कूल से ही आई है और स्कूल में ही हुआ है, हम लोग कैसे डिनाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने राजस्थान की एक फाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर का अपहरण करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों में एक मुंबई पुलिस का सिपाही भी है। ठाणे पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों के पास से 25 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बदमाशों से पूछताछ के बाद ये बताया कि लोगों ने पहले तो करोड़ों का कर्ज लेने के लिए उदयपुर की एक फाइनेंस कंपनी से संपर्क किया और कर्ज के बदले गिरवी रखने वाली अपनी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए ठाणे बुलाया और फिर उसे अगवा कर लिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके अपहरणकर्ताओं को 25 लाख रुपए की फिरौती की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया। तो उनके पास हमको 25 लाख रुपए मिले और उसके पूछताछ करने के बाद हमने उन जो किडनैप किए थे उन लोगों को हिरासत में हमारे ताबे में लिए और जो जिसने पैसा लाया था उसके हमने यहाँ पे हमने FIR दर्ज किया और जो भी उसके अंदर आरोपी थे उनको हमने गिरफ्तार किया। इलाहाबाद में अगले साल होने वाले कुंभ मेले में किन्नर अखाड़े में मुसलमान किन्नर भी शिरकत करेंगे। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दावा किया है कि उनके अखाड़े में हज करने वाले कई किन्नर संत हैं, जिन्होंने स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती से मुलाकात के बाद अपने अखाड़ों का लोगों भी जारी किया है। और इस मौके पर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा है कि अखाड़ों और साधु संतों को किन्नर अखाड़े के कुंभ में आने का विरोध नहीं करना चाहिए। किन्नर अखाड़े को स्थापित करने में मुसलमान किन्नर 4-5 तो हमारी कमेटी में ही हैं। किन्नर अखाड़े को किसी से बैर भेद नहीं, हाँ, पर अगर किन्नर अखाड़े की पद पे किसी को बैठना है तो वो सनातन धर्म से है। हम अपने अखाड़े में
ना हिंदू मुसलमान, ना मर्द औरत, ना लैंगिकता का कोई भेद रखते हैं। हमारे लिए सभी एक हैं। और क्या कुंभ में इसके पहले मुसलमान नहीं आए थे? का सम्मान इनके इन्हें मिलना चाहिए और हमारे संत इस पर विचार करें। सम्मान करने से ही सम्मान मिलता है। सभी संत इनका सम्मान करेंगे तो सभी संतों का सम्मान ये समाज भी करेगा। आज कहीं किसी को आरक्षण दिया जा रहा है, किसी को कुछ दिया जा रहा है, इस समाज को क्यों नहीं समाज में मिलाने के लिए पहल की जाती है? किन्नर समाज को भी समाज के मुख्य धारा में सरकार जोड़ने का प्रयास करे। सहारनपुर हाईवे की आज आधारशिला रखी जाएगी। यूपी के बागपत में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली सहारनपुर हाईवे की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला एवं बाल विकास की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज अंतिम सुनवाई होगी। सीबीआई ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई निशाल मोदी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में जोधपुर की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम ने राज्यपाल कल्याण सिंह के पास दया याचिका लगाई है। यूपी के एटा में जवाहर तापी परियोजना के लिए लाई जा रही सरिया चोरी करने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के इलाहाबाद में एक पेट्रोल पंप पर एक लड़का वहां काम करने वाले आदमी को पीटने लगा। आरोप है कि पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आए वकील के रिश्तेदार ने जब तेल कम होने की शिकायत की तो पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने उसे पीट दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही कई वकील पेट्रोल पंप पर पहुंच गए और वहां मौजूद पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की पिटाई कर दी। इस बीच पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और वकीलों के बीच काफी देर तक बहस भी हुई और जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन गुस्साए लोग पुलिस की मौजूदगी में भी पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ करते रहे। हंगामा कर रहे लोगों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया। तुझे सिर्फ तेल ही मांग रहा हूँ, कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस उसके बाद एक जो अंदर है मारना चालू 7-8 घंटा मारा। हालांकि मामला वकीलों से जुड़ा होने की वजह से पुलिस दोनों पक्षों को शांत करवाने में जुटी रही। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कुछ किसान प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे किसान आवारा जानवरों के खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाने से नाराज थे, जिसके लिए ये किसान एकजुट हुए और शहर के चौराहे पर बैठकर वहां जाम लगा दिया। इस बीच इन किसानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इससे पहले इन किसानों ने शहर में पैदल यात्रा भी निकाली, लेकिन इस यात्रा के समय किसी भी अधिकारी के उनके पास नहीं पहुंचने से ये किसान खफा हो गए और सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। रोड पर हम लोग बैठे हुए हैं जब तक जिले का जो अधिकारी है, जिलाधिकारी महोदय रोड पर आकर हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। हंगामा कर रहे किसानों को शांत करवाने के लिए कई अधिकारी वहां पहुंचे और किसानों की परेशानी को सुलझाने का भरोसा दिया। इस पर निश्चित रूप से हम लोग बैठेंगे और जो उचित कार्रवाई होगी इस पर उचित कार्रवाई हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। अधिकारियों के आश्वासन देने के बाद किसान शांत हुए। बिहार में बेगूसराय के एक थाने में गले में माला पहने एक लड़का और लड़की एक पुलिस वाले के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। जन्माष्टमी के मेले में भटके हुए इस प्रेमी जोड़े की पुलिस वालों ने थाने में ही शादी करवाई, जिसके बाद उन्होंने थाना प्रभारी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इससे पहले दोनों ने पुलिस वालों की मौजूदगी में एक दूसरे को माला पहनाई और लड़के ने अपनी प्रेमिका की मांग भरी। पुलिस का दावा है कि ये लड़की पूर्वी चंपारण जिले से वहां अपने प्रेमी से मिलने आई थी, लेकिन भटक जाने की वजह से पुलिस वालों ने उसे प्रेमी से मिलाया। कल की भी काफी प्रसन्न है, इसे हमारे समाज में एक तरह का नया मैसेज आएगा। थाने में हुई शादी के समय लड़का और लड़की के परिवार वाले भी मौजूद थे जो शादी के बाद उन्हें घर ले गए। उत्तर प्रदेश के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के एक टोल प्लाजा के बाहर एक लड़का फायरिंग करने लगा। इस लड़के के साथ आए 10 से ज्यादा बदमाशों ने टोल प्लाजा पर लूटपाट की। इस दौरान उसने पिस्तौल से फायरिंग भी की। यही नहीं, इस लड़के और उसके साथियों ने डंडे से टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ भी की। हमले के वक्त एक कर्मचारी टोल बूथ पर बैठा था। बदमाशों का हमला होते ही वो वहां से भाग गया, जिसके बाद आरोपी बदमाश बूथ के अंदर घुस गए और वहां रखे रुपयों को उन्होंने लूट लिया। एक बार पैसे लूटने के बाद ये बदमाश फिर टोल बूथ में घुसे और कुछ हाथ नहीं लगने पर उन्होंने कैश रखने वाला बक्सा जमीन पर पटक दिया। इसके बाद सभी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो के आधार पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों से पुलिस ने डंडे और पिस्तौल भी बरामद की।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 3 महीने पहले बनकर तैयार हुआ पुल तेज बारिश की वजह से बह गया है। शिवपुरी जिले के पोरी इलाके में बने इस पुल की लागत करीब 8 करोड़ रुपए थी और बताया जा रहा है कि कूनो नदी पर बने इस पुल का उद्घाटन इसी साल 29 मई को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। पोरी के बीजेपी विधायक प्रहलाद भारती ने पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का आरोप लगाया था। प्रहलाद भारती ने पुल के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था, लेकिन आरोप ये है कि अधिकारियों की मिलीभगत से पुल का घटिया निर्माण होता रहा और अब तेज बारिश की वजह से ये पुल बह गया। सुबह जब हमने खबर दिखाई थी तब आंकड़े जो हमको मिल पा रहे थे वो ये थे कि 800 करोड़ में ये पुल बना था, लेकिन हम आपको बता दें कि अब खबर ये आई है, जो आंकड़ा है ये 8 करोड़ रुपए में पुल बनकर तैयार हुआ था। सुबह हमने यही खबर दिखाई थी जिस वक्त हमें आंकड़े मिले थे कि पुल 800 करोड़ की लागत से बना है, जबकि अभी जो हमें आंकड़े मिल पा रहे हैं वो ये है कि पुल पर कुल लागत 8 करोड़ की आई है और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। पुल तो लगभग 2 साल पहले तैयार हो गया था जी। काम भी चल रहा था, उसको उपयोग भी हो रहा था, लेकिन सड़क का एक छोटा सा भाग पूरा नहीं होने के कारण से वो पूरा उद्घाटन नहीं हो पाया था। फिर जब वो सड़क का पूरा निर्माण हो गया तब इसका उद्घाटन हुआ, तो 3-4 महीने पहले हुआ, जिसमें माननीय मंत्री जी भी थे और मैं भी अध्यक्षता की, मैं चूंकि विधायक था मैंने भी की, लेकिन विभाग ने उतने ढंग से काम किया नहीं, इतना अच्छा थे नहीं, क्योंकि विषय विशेषज्ञ इंजीनियर लोग होते हैं उन्होंने किया नहीं और ठेकेदारों ने से भी उन्होंने इतना अच्छे से काम नहीं लिया, इसलिए जिम्मेदार हैं वो, जिनकी जाँच होनी चाहिए। जियो फोन यूजर्स के लिए अब व्हाट्सएप उपलब्ध हो गया है और व्हाट्सएप यूजर्स अब जियो ऐप स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। और खास बात यह है कि व्हाट्सएप ने जियो फोन यूजर्स के लिए अपना नया वर्जन भी लॉन्च किया है। व्हाट्सएप जियो फोन पर 10 सितंबर से उपलब्ध हो जाएगा। ये ऐप सभी जियो फोन यूजर्स तक 20 सितंबर तक पहुंच जाएगा। जियो फोन और जियो फोन 2 के यूजर्स व्हाट्सएप को डाउनलोड भी कर सकेंगे।